रविकांत विश्वकर्मा, इस सच्चाई को हम लोग बताना चाहते हैं और बनारस पूरा जलमग्न है और साथ ही साथ उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो वाराणसी क्यूटो का सपना दिखा रहे थे। कम से कम सीवर के पानी के सहित हम लोग स्विमिंग के पूल का आनंद तो ले रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा है, ये भी बड़ा मजा ले रहा है बारिश के पानी में। मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि लोग जाने, जो कि टीवी चैनल के माध्यम से बनारस के विकास को फोटो के माध्यम से देखते हैं, आप देख सकते हैं सच्चाई क्या है। जगह जगह लोग परेशान हैं, इसलिए आपसे भी कहते हैं अगर बनारस आना है तो अपना स्विमिंग पूल पैड लेके आइएगा, क्योंकि कभी भी बरसात में कहीं भी पानी लग सकता है और आपको बहुत ही किफायत दर में, हाँ, सीवर युक्त स्विमिंग पूल का आनंद मिलेगा। और इसके साथ हम नगर निगम के कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि ये आपके मुंह पे तमाचा है और आप इसको देखिए और समझिए। आप देख रहे हैं अगल बगल से वाहन वाले, सबकी गाड़ियां बंद है, सबकी गाड़ियां बंद है, किसी को अपने घर जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन सबके काम बाधित हो रहे हैं, इसको किसी से मतलब नहीं। और रात के 12 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री दौरा करेंगे, जिस समय सारी पब्लिक सो जाएगी, जो भी परेशान होकर जहां भी जाना हो चला जाएगा तो रात्रि में दौरा होगा। इसलिए मुख्यमंत्री से भी कहना चाहते हैं कि आप अपने नगर निगम के कर्मचारियों को चेताइए कि बनारस को मजाक न समझे, यहां पर हजारों लाखों पर्यटक आते हैं जो कि इस दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। खैर, मैं तो वाराणसी क्यूटो में स्विमिंग पूल का आनंद ले रहा हूं। हां, दुर्भाग्य है कि यह सीवर युक्त पानी है, सीवर युक्त पानी में क्यूटो का आनंद ले रहा हूं, स्विमिंग पूल का आनंद ले रहा हूं। यही है वाराणसी क्यूटो, यही है सच्चाई बनारस की। जय हिंद, जय समाजवाद।